इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान की बात, लोक में रचे बसे संसार की बात, फसलों की बात, जीवन में लहलहाते उल्लास की बात, बात मौसम की, बात हमारी और आपकी, क्योंकि किसान की बात कहीं ना कहीं है हमारी और आपकी बात, यानी किसान की बात। और स्वागत है आप सभी का आज की इस कड़ी में। मैं हूं आपके साथ अरविंद और मेरे साथ हैं मीनाक्षी। जी हां, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरविंद, हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोगों को नई नई तकनीक, नए नए प्रयोगों और साथ ही किसानों के हितों में बनी योजनाओं से समय समय पर अवगत कराते रहें। और आज इसी से संबंधित हमारा विषय भी है। जी हाँ, आज के अगर विषय की बात करें तो मुझे एक बच्चे की तरह महसूस हो रहा है जिसके सामने ऐसा पिटारा रखा है जिसमें तरह तरह की चीजें हैं जो उसे लुभाती हैं। ऐसी ही चीजों से संबंधित आज का हमारे कार्यक्रम का विषय है जो हमारे किसान भाइयों के लिए पिटारे के समान है। आज हम बात करेंगे उन सभी योजनाओं के बारे में जो किसानों के हित के लिए चलाई गई हैं, जिनसे किसानों को लाभ होगा, उनकी लागत में कमी आएगी और उनकी जो आय है वो दोगुनी होगी। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से चलाई गई विभिन्न योजनाओं के बारे में। बिल्कुल अरविंद, और इसी पर जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर वाईआर मीना। तो आइए सुनते हैं उनसे हुई ये बातचीत। किसान की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रीति हमेशा की तरह, और स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर वाईआर मीना, अपर आयुक्त विस्तार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं किसान भाइयों के लिए यही है कि सरकार का प्रयास है, जैसे वायदा किया गया है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है। अब किसानों की आमदनी दोगुनी करने में उनके जो उत्पादन है उसको बढ़ाना, उसकी गुणवत्ता में सुधार करना, उनको वित्तीय मदद उपलब्ध कराना और सही समय पर जो इनपुट हैं, खासकर उन्नत बीज, खाद, कृषि यंत्र, ये विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार मदद कर रही है किसानों की कि उनको सभी तरह का समर्थन मिले। इसके बावजूद भी सरकार ने एक और जो 6,000 रुपए सालाना का जो एक स्कीम चलाई थी, किसान सम्मान निधि योजना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको इसीलिए चलाया गया है कि कई बार किसानों को सही समय पर मान लो कोई मदद नहीं मिल पा रही है, तो कम से कम 6,000 रुपए उनको जो सालाना मिलते हैं उससे छोटा मोटा खेती किसानी का जो खर्चा है उसको कर सकें, अपने बिल भर सकें और बीज वगैरह ये सब खरीद सकें। हालांकि हमारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की बहुत सी योजनाएं हैं जिनमें किसानों को कई तरह की सहूलियतें दी जाती हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, कृषक भ्रमण भी कराया जाता है, मेले और प्रदर्शनियों का आयोजन कराया जाता है जिससे किसानों को जो भी तरक्की कृषि के क्षेत्र में हो रही है उसकी जानकारी मिलती रहे और वो सजग रहें और हर योजना का वो लाभ लें। तो ये सब चीजें हैं जिनके माध्यम से सरकार किसानों को मदद करना चाहती है, उनकी आमदनी को बढ़ाना चाहती है। उसी का एक प्रमुख अंग ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हर सीजन में सरकार ये लेके आती है। खरीफ और रबी दोनों सीजन के लिए मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, सही समय पर उसकी घोषणा की जाती है जिससे किसानों को पता रहे। बिल्कुल, आपने जैसे सम्मान निधि योजना का जिक्र किया था, वैसे ही अभी हाल ही में हमने जिसमें भविष्य बिल्कुल सुरक्षित कर दिया गया था हमारे किसान भाइयों का, वो भी एक बहुत अच्छी योजना है। हम चाहेंगे उस पर भी थोड़ा सा एक बार फिर से प्रकाश डालें। बिल्कुल, आपने बहुत ठीक कहा मैडम। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, उस योजना के तहत किसानों को एक तरीके से बीमा वाली वो पॉलिसी है, वो उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा के उसका लाभ ले सकते हैं उम्र के हिसाब से, 40 वर्ष से और 60 वर्ष के बीच में। और जितना आप देंगे उतना ही सरकार भी देगी। सरकार देगी। बिल्कुल। और बहुत अच्छी योजना, काफी उसमें रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, करोड़ों में रजिस्ट्रेशन हुए हैं अभी तक, तो उसको भी सरकार प्रमुखता से प्रमोट कर रही है जिससे 60 वर्ष की उम्र के बाद किसान मान लो खेती किसानी नहीं भी कर सकता हो, बुजुर्ग है और बच्चे भी मदद नहीं कर रहे हैं, तो उनको एक जो पेंशन है वो जरूर मिलेगी, पेंशन जरूर मिलेगी और वो उनको जीवन पर्यंत मिलती रहेगी। और एक और इसमें महत्वपूर्ण बात भी कही गई थी कि अगर आप बीच में कहीं सोच रहे हैं कि आप नहीं करना चाहते हैं, तो हाँ, विड्रॉल की स्कीम भी है इसमें, आप छोड़ दीजिए, परेशान ना हो। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब इस तरह की बातें की जाती है तो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़कर उसमें हिस्सा जरूर लेना चाहिए। और विड्रॉल वाली बात में एक खासियत है कि आपको
जो बैंक में ब्याज आपके पैसे का मिलता है वो आपके पास रह जाएगा, वैसा ही आपको ब्याज उसमें मिलेगा, यानी कि आपको नुकसान हो जाए। तो जब चाहे किसान विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि जब इतनी अच्छी बढ़िया स्कीम किसानों की भलाई के लिए सरकार ने चलाई है तो निश्चित तौर पर उसका पूरा पूरा लाभ लिया जाना चाहिए। एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण जो मुझे याद आ रही है कि ऐसा नहीं है कि परिवार का एक ही व्यक्ति उसमें ले सकता जी है। हाँ, सारा परिवार मिलकर भी उसमें जो भी चाहे वो उसमें कर सकते हैं और आपका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है इसमें। तो ये जो योजनाएं हैं आप किसान भाइयों के लिए चलाई गई हैं, जब शुरुआत हुई थी तो बहुत अच्छी सी स्कीम आई थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड जी हाँ, जिसकी बदौलत था। मुझे लगता है कि आज जिस भी किसान भाई से हम बात करते हैं, जब हम खेतों में जाकर उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे हमारी मुलाकात होती है, तो लगभग मैंने देखा है कि सभी किसान भाइयों के पास ये कार्ड जरूर होता है। जी हाँ जी हाँ, ये मुफ्त में सरकार ने योजना चलाई थी, यानी किसानों का उसमें कोई खर्चा नहीं था। मकसद यही था कि किसान भाई जो खेती करते हैं अनावश्यक रूप से, उनको पता नहीं होता उनकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और फसल को कितनी जरूरत है, वो अपने अंदाजा से यूरिया डीएपी या जो रासायनिक खाद हैं जिन्हें हम उर्वरक कहते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो मान लो जरूरत से ज्यादा डालने पर मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब होता, फसल की गुणवत्ता भी प्रभावित होती, इसके अलावा जेब पे अतिरिक्त खर्चा, बहुत महंगे वो खाद होते हैं। अभी क्या है, सॉयल हेल्थ कार्ड आने से किसानों को पता है वो जो भी फसल लगा रहे हैं उसकी पोषक तत्वों की आवश्यकता क्या है, उनकी जो मृदा है मिट्टी उसमें कितनी मात्रा में वो पोषक तत्व अवेलेबल हैं और कितनी पूर्ति करनी है। तो आवश्यकता के हिसाब से जब खाद उर्वरक डालते हैं तो कीमत जो है उसकी प्रोडक्शन की, उत्पादन की, वो कम होती है। तो ये भी एक आमदनी बढ़ाने का सरकार ने जरिया खोजा था कि उनकी लागत को कम किया जाए और अच्छा कीमत उनको देके आमदनी को बढ़ाया जाए। तो इस तरीके से बहुत से इसमें कार्य थे जो उनके द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ानी थी और उनकी जो उत्पादन की जो कीमत है उसको कम करना था। तो उस सॉयल हेल्थ कार्ड एक उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटक है जिसके माध्यम से किसान अनावश्यक रूप से उर्वरक और इनके इस्तेमाल से बचें, पर्यावरण भी दूषित होने से बचता है, अच्छी गुणवत्ता का उनको उत्पादन मिलेगा। बिल्कुल, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जब जिक्र करते हैं और उनकी योजनाओं का जिक्र करते हैं तो डॉक्टर मीना हमें एक और बहुत ही अच्छी सी योजना आती है जिसमें कोई भी आपदा हो आपको नुकसान कभी नहीं होगा, फसल बीमा योजना। फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत अच्छी है और सभी फसलों के लिए पूरे देश में एक ही समान की उसमें किस्त जो है प्रीमियम वो रखा गया है और बहुत कम है, 1.5 से 2% के बीच में प्रीमियम होता है रवि और खरीफ का अगर पूरा आकलन हम करते हैं। और कॉमर्शियल जो बागवानी वाली फसलें हैं बहुवर्षीय या कॉमर्शियल, उनका 5% प्रीमियम रखा गया है जी। तो अच्छा है। और पहले होता था कि आपका क्षेत्र आधारित होती थी स्कीम, अभी खेत आधारित भी किया गया है, किसी गांव में मतलब थोड़ी जगह में भी ओलावृष्टि या इस तरीके का हानि हुई है तो उसकी भी पूर्ति होती है तुरंत भुगतान के लिए। ड्रोन टेक्नोलॉजी ये कई को इस्तेमाल जी, किया जी, गया जी, 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 किसान अपने मोबाइल से भी फोटो खींच के वो रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ये नुकसान हुआ है, जिससे अधिकारियों के संज्ञान में आ जाए और जल्दी से जल्दी उनको बीमा राशि का भुगतान हो सके। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर है आपके पास, 24 घंटे हर भाषा में उपलब्ध है। तो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं और आप किसान भाइयों की आमदनी बेहतर हो, दुगनी हो, तिगनी हो, यही सरकार चाहती है और इसी पर हमेशा काम किया जा रहा है। डॉक्टर मीना आप स्टूडियो में आए और आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, आप जब भी आते हैं बहुत अच्छी जानकारी के साथ आते हैं, पुनः आपका धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रीति आपसे चाहती है इजाजत, नमस्कार। चलते चलते जरूर कहेंगे, हम अपनी तरफ से सोचते हैं कि आपको सारी चीजें बताएं, लेकिन फिर भी कोई बात जो आप हमसे साझा करना चाहें कर सकते हैं kkbongold@gmail.com पे। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे विषय माननीय प्रधानमंत्री की योजनाओं की जानकारी, जिसमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर YR मीना। तो उम्मीद है कि ये सभी जानकारियां आपके काफी काम आएंगी, आपको लाभ होगा और आपके फसल के साथ साथ आपके जीवन स्तर और आय में भी बढ़ोतरी में मददगार होंगे। इस विषय से जुड़ी हुई, इन योजनाओं से जुड़ी हुई कोई और जानकारी अगर आप चाहते हैं, कोई और बात हमसे आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है किसान की बात, कमरा नंबर 612, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मीनाक्षी, इतनी सारी योजना, उनकी जानकारी सुनकर, उनके लाभ सुनकर मन एकदम हर्षोल्लास से भर गया है। और हम आशा करते हैं कि जितने भी श्रोता हमारे सुन रहे होंगे हमारे इस कार्यक्रम को, वो बिल्कुल भी इन योजनाओं से वंचित नहीं रहेंगे और इन योजनाओं का लाभ उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ, मुझे लगता है मुझे भी अब कृषि शुरू कर देनी चाहिए ताकि एक आध योजना का लाभ मैं भी उठा सकूं। तो क्यों ना इस खुशी को थोड़ा और बढ़ाया जाए और एक लोकगीत इसमें जोड़ दिया जाए। बिल्कुल सही कहा अरविंद आपने, और मुझे लगता है आज हमें ब्रज की भूमि पर जाना चाहिए। जी हाँ, कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे हैं हम, तो आइए आपको सुनाते हैं ब्रज का ये लोकगीत। सखियां चला चली दर्शन का ब्रज माँ, झूल रहे गोपाल। सखियां चला चली दर्शन का ब्रज माँ, झूल रहे गोपाल। कोरे झूलावे कोरे खींचे डोर। सखियां चला चली दर्शन का ब्रज मां, झूल रहे गोपाल। सखियां चला चली हो दर्शन का ब्रज मां, झूल रहे गोपाल। राधा झूले कृष्ण झूलावे, राधा झूले कृष्ण झूलावे, सखियां खींचे डोर, सखियां खींचे डोर। सखियां चला चली दर्शन का ब्रज मां, झूल रहे गोपाल। सखियां चला चली दर्शन का ब्रज मां, झूल रहे गोपाल। काहिन काठ का बना रही डोलना, काहिन काठ का बना ही डोलना, काहिन लागी डोर, काहिन लागी डोर। सखियां चला चली दर्शन का ब्रज मां, झूल रहे गोपाल। सखियां चला चली दर्शन का ब्रज मां, झूल रहे गोपाल। चंदन काठ का बना रही डोलना, चंदन काठ का बना ही डोलना, रेशम लागी डोर, रेशम लागी डोर। सखियां चला चली दर्शन का ब्रज मां, झूल रहे गोपाल। सखियां चला चली हो दर्शन का ब्रज मां, झूल रहे गोपाल। चहूं दिस छाई कारी बदरिया, चहूं दिस छाई हो
कारी बदरिया चहूं दिस छाई चहूं दिस छाई चहूं दिस छाई कारी बदरिया पवन चले झकझोर हो पवन चले झकझोर सखियां चला चली दर्शन का ब्रज मां दूर रहे। अभी आप सुन रहे थे ब्रज का ये लोकगीत और अरविंद अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को किसान मित्र से बातचीत। और अब किसान की बात हम सबके साथ। किसान की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हम आपको बता दें फिलहाल हमारे साथ प्रिंसिपल साहब हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपने घर के पास में जो छोटा सा प्यारा सा ग्राउंड है उसमें बहुत सारे फूल पेड़ पौधे लगे हुए हैं और सब्जियां भी बहुत सारी हैं। तो मैं सोच रही थी डॉक्टर साहब से उनका पहले इंट्रो लेते हैं और उसके बाद फिर बातें करेंगे। अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम डॉक्टर प्रेम प्रकाश पांडे है और मैं डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन हसनगढ़ में एज ए प्रिंसिपल कार्यरत हूँ अभी और हमारा रेसिडेंस भी यही है कॉलेज कैंपस में ही और उसके साथ ही हमारा लगभग एक बीघे का जो है किचन गार्डन है और जिसमें हम तरह तरह की सब्जियां जो है सीजनल उसको हम उगाते हैं और इसमें विदाउट कोई भी केमिकल यूज नहीं करते ना ही कोई खाद यूज करते हैं हम और मीठे पानी की सब्जियां होती है मीठे पानी हम इसमें देते रहते हैं टाइम टू टाइम जिस सब्जी का जब सीजन होता है छोटे छोटे क्यारी हमने बना रखे हैं और उसमें तरह तरह के जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस तरह के पौधे हम उगाते हैं सीजनल सब्जी और एक दूसरे से क्रम में करते हैं ताकि कभी ख़त्म ना हो। हरी सब्जी हमेशा हमें सालों भर खुद से उगा के और खुद से ही खाते रहते हैं कहीं से मार्केट से हम लाते नहीं हरी सब्जी। प्रत्येक व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए अगर उसके पास अवेलेबल हो अगर आसपास कोई ज़मीन हो या तो उसके पास खंड भूखंड हो तो ज़रूर अपने आप करे तो मेरे समझ से तो बेहतर होगा उसके लिए इस चीज़ को करना। बिल्कुल और जैसे हम देख पा रहे हैं कि पालक की सब्जी है पालक लगा हुआ है और बहुत सारी हरी सब्जियां हैं धनिया है और बहुत ही खूबसूरत मुझे पपीते का पेड़ भी दिख रहा है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये विंटर्स की जो सब्जियां हैं अभी फिलहाल इसकी तैयारी हो रही है और इसके बाद फिर गर्मियों के आएंगे तो भिंडी वगैरह भी लग जाती है। मैडम जब गर्मियां आती है तो गर्मियों में खीरा तोरी लौकी भिंडी ये जितनी सब्जियां होती है वो हम सारा अपने आप उगाते हैं यहाँ पे सब सीजनल पे पौध डाल देते हैं और पौध तैयार होता है टमाटर जैसे हो गया प्याज हो गई तो पौध अपना ही यहाँ तैयार करते हैं और अपने ही पौध यहाँ लगाते हैं हम खेतों में हम कहीं बाहर मार्केट से कुछ नहीं लाते हैं। हरी मिर्ची भी हो जो भी तैयार करना हो हमारे तो हम यहीं पर अपना कोशिश करते हैं। बीन्स वगैरह के भी हमने लगा रखे हैं पौधे फ्रूट्स में है हमारे यहाँ जामुन के पेड़ हमने लगा रखे हैं पपीता है अमरूद है ये सारी चीज़ें होती है और इसमें भी हम कोई केमिकल का छिड़काव नहीं करते हैं जो चीज़ तैयार होता है नेचुरल तैयार होता है और उसको खाने के बाद फिर कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं होती और स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है ये चीज़। बिल्कुल जैविक खाद की बात कर रहे हैं ना आप तो जैविक खाद क्या अलग से यहाँ गड्ढा खोद के बनाया जाता है तैयार होता है। हमारे पास क्या है कि नीम के भी बहुत सारे पेड़ हैं अच्छा तो कई तो हम नीम की जो निबोली तैयार होती है उसको हम करके और उसको मशीन में ले जाके जो करते हैं वहाँ पे बना लेते हैं उसका एक तो वो हो जाती है। नीम के पत्तियों का अगर हमें कोई छिड़काव भी करना होता है तो नीम की पत्तियों को उबाल कर और एक कनेर है कनेर का वृक्ष है इनकी पत्तियों को उबाल कर उसका जो जैसे आदमी काढ़ा पीता है तो उसी तरह तैयार करते हैं और उसका छिड़काव करते हैं तो जो छोटे मोटे कीड़े हैं वो अपने आप मर जाते हैं और उसमें हम केमिकल की जगह उसको यूज करते हैं तो हमारे लिए भी हार्मफुल नहीं और हमारा साथ साथ कीटाणुओं से भी रक्षा करता है वो चीजें। और कुछ बिन बुलाए मेहमान भी आ जाते हैं खरपतवार जिसको कहते हैं वो भी है उनको कैसे निपटारा करते हैं? खरपतवार के लिए तो मैम इसमें क्या करता है हमने छोटे छोटे जो क्यारी बना रखे हैं जी। तो एक दो हमारे पास स्टाफ और भी है उनसे हम टाइम टू टाइम जो उस चीज को निकलवाते रहते हैं और जड़ से निकलवाते हैं जब पानी देते हैं तो जड़ से निकालते हैं क्योंकि काटेंगे तो फिर दोबारा आ जाएगा तो जड़ से निकाल देने के बाद एक दो बार के बाद क्या होता है उसकी जनरेशन खत्म हो जाती है तो हम उस तरह से उसका करते हैं उपाय। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके बहुत आनंद आया बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब। थैंक यू मैडम थैंक यू। किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी किसानों और कस्टम हायरिंग केंद्रों द्वारा कृषि यंत्र किराए पर देने हेतु भारत सरकार द्वारा विकसित CHC मोबाइल ऐप CHC फार्म मशीनरी यानी CHC FARMMACHINERY नाम से गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। किसान अपनी स्पर्धात्मक दर पर इस ऐप से कृषि मशीनरी किराए पर ले सकते हैं। किसान भाई और बहन इस ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान की बात में अब आइए जानते हैं क्या है मौसम का हाल।
और अब मौसम की बात किसान के साथ। ग्रामीण कृषि सेवा कृषि भौतिकी संभाग के अनुसार सप्ताह के दौरान आसमान में धुंध रहेगी। दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। बादलों की स्थिति 7 ऑक्टा। सापेक्षित आर्द्रता अधिकतम 95%, सापेक्षित आर्द्रता न्यूनतम 55%। हवा की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा। हवा की दिशा पूर्व उत्तर पूर्व। जिन किसान की गेहूं की फसल 21 से 25 दिन की हो गई हो, वे अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए पहली सिंचाई करें। सिंचाई के 3-4 दिन बाद उर्वरक की दूसरी मात्रा डालें। आलू के पौधों की ऊंचाई यदि 15 से 22 सेंटीमीटर हो जाए, तब उसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य जरूरी है, अथवा बुआई के 30-35 दिन बाद मिट्टी चढ़ाई का कार्य संपन्न करें। किसान गाजर की यूरोपियन किस्मों जैसे 90s, पूसा, यमदागिनी, मूली की यूरोपियन किस्मों जैसे हिल क्वीन, जापानी वाइट, पूसा हिमानी, चुकंदर की किस्म क्रिसमस ग्लोब तथा शलगम की PTWG आदि की बुआई इस समय कर सकते हैं। वर्तमान मौसम प्याज की बुआई के लिए अनुकूल है। बीज दर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बुआई से पहले बीजों को कैप्टॉन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार अवश्य करें। वर्तमान तापमान स्नोबॉल किस्म की फूल गोभी, सलाद, बंद गोभी और ब्रोकली की पौधशाला बनाने तथा तैयार पौध की रोपाई के लिए अनुकूल है। ब्रोकली की उन्नत किस्में पालम समृद्धि, पालम कंचन, सामान्य किस्में ऐश्वर्या, पैकमेन, संकर किस्में। इस सप्ताह किसान सब्जियों की निराई गुड़ाई करके खर पतवारों को निकालें। 15 से 25 दिन की सब्जियों में नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा का छिड़काव करें। समय पर बोई गई सरसों की फसल में विरलीकरण तथा खर पतवार नियंत्रण का कार्य करें और पछेती गेंदे के तैयार पौध की रोपाई करें। ये थी मौसम संबंधी जानकारी और कृषि परामर्श। किसान की बात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हर बार की तरह जानते हैं आज के बाजार भाव। अब आइए आपको बता दें आजादपुर फल सब्जी मंडी से प्राप्त बाजार भाव। सेब 105 रुपए प्रति किलो, अनार 80 रुपए प्रति किलो, कीवी की बात करें तो 90 रुपए प्रति किलो आप ले सकते हैं, किन्नू 20 रुपए प्रति किलो आपको मिल रहा है और चीकू का भाव है 35 रुपए प्रति किलो। बात अगर सब्जियों की करें तो आलू 16 रुपए किलो आपको मिलेगा, बेबी कॉर्न 50 रुपए प्रति किलो, ब्रोकली 42 रुपए प्रति किलो, अदरक 56 रुपए प्रति किलो, टमाटर 23 रुपए प्रति किलो का भाव है और प्याज की बात करें तो 55 रुपए प्रति किलो का भाव है। ये थे आज के बाजार भाव। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोस्तों किसान की बात कार्यक्रम अपने आज के अंतिम पड़ाव पर आ गया है और आज हमने जिस विषय पर बातचीत की वो थी माननीय प्रधानमंत्री की योजनाओं की जानकारी के बारे में और हमने जाना कौन कौन सी योजनाएं हैं जो भारत सरकार आपके लिए लाती है, लाई है और किन से आपको और ज्यादा लाभ हो सकता है और कैसे आप उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल अरविंद, और हम अपने श्रोताओं को हर बार कहते हैं कि उनके मन में यदि कोई भी सवाल है, कोई भी प्रतिक्रिया है, कोई भी विचार हमसे साझा करना चाहते हैं तो वो हमें ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर और हमारी ईमेल आईडी है KKBOnGold@gmail.com। जी हां, आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं
और ईमेल के जरिए भी आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इससे पहले कि आज की कड़ी को हम समाप्त करें और आपसे विदा लें, आपको बता दें कल के हमारे फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा शीतकालीन फूलों की खेती। तो दोस्तों आज के इस कड़ी में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए मुझे अरविंद को और मुझे मीनाक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।